सोमवार को राज्य सरकार की ओर से बजट पेश किया गया, जिसमें वन्य जीवों की डीएनए जांच नागपुर में कराने, ब्रॉडगेज मेट्रो समेत अन्य मुद्दों को हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि इन सारी चीजों से सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे खुश नजर नहीं आए। उन्होंने बजट पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार का निषेध किया। सोमवार को पेश हुए राज्य के बजट का सत्ताधारी दलों के नेताओं ने स्वागत किया, वहीं विपक्ष इससे खासा खुश नजर नहीं आया। इसी श्रृंखला में सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने कहा कि मनपा के माध्यम से शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया जाता है। गत समय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में मूलभूत विकास के लिए 316 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जिसमें से 240 करोड़ रुपए का आवंटन भी हो चुका है, किंतु 157 करोड़ रुपए अब तक प्राप्त नहीं हुए है। यहां तक कि अब गुंठेवारी कानून के तहत नियमितीकरण भी प्रन्यास को वापस दिया गया, जहां मनपा की ओर से पेयजल और बिजली आदि की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। आज महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला। नागपूर शहरामध्ये 3-3 मंत्री असून सुद्धा नागपूर शहराच्या नागरिकांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पामध्ये काही मोठ्या प्रमाणात तरतूद राहील अशी आमची अपेक्षा होती। परंतु आज जेव्हा माननीय वित्तमंत्र्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकलं, त्यावरून असं लक्षात आलं की नागपूर शहराच्या नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टिकोनातून एकही पैशाचा निधी या सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये ठेवलेला नाही आहे। याच्या अगोदर माननीय देवेंद्रजी फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते, त्यांनी नागरी सुविधा निधी म्हणून एक हेड तयार केला होता आणि त्या माध्यमातून नागपूर महानगरपालिकेला आणि इतरही महानगरपालिकेला विशेष निधी देण्याचं एक प्राधान्याने ठेवलेलं होतं, ज्याच्यामध्ये लोकांच्या आयुष्याशी दररोजच्या आयुष्याशी निगडीत समस्या जे लोकांना पडतात त्याच्या विकास कामाच्या संदर्भात निधी होता, पण त्यामध्ये सुद्धा एकही पैशाची तरतूद या सरकारने केल्याचं कुठे दिसत नाही। अनेक विकास कामं या सरकारने नवीन सरकार आल्यानंतर यांनी अडवणुकीचं धोरण ठेवून अनेक विकास कामं थांबवली, त्या विकास कामांना चालना देण्याकरता सुद्धा कुठल्याही प्रकारची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये नाही। एका अर्थाने नागपूर शहराच्या जनतेच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे। एकीकडे महाराष्ट्रातल्या नाशिक असो, पुणे असो किंवा मुंबई असो, या ठिकाणी 1000 करोड रुपयाचा निधी दिला, पण उपराजधानीचं शहर असलेल्या नागपूर शहराला एकही पैशाचा या सरकारने निषेध नाही दिला, एकही पैशाचा या सरकारने निधी नाही दिला। मी या सरकारचा निषेध करतो। बजट से नाखुश सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने इस दौरान राज्य सरकार का निषेध किया, साथ ही उन्होंने कहा कि यह नागपुर की जनता के साथ सरासर अन्याय है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।